Hello everyone, welcome to Educated Himalaya. This is the chapter 1 of class 9th geography, India size and location. इस chapter में हम India के size और location से related जितने भी concept है और basic concept है उन सब को समझने की कोशिश करेंगे. Now before we start the chapter, अगर आपने subscribe नहीं किया है तो कर लीजिए और उस bell icon को जरूर दबाइए. Now location की अगर बात करूं तो location में एक अहम concept है, वो है अगर कोई इमेजिनरी लाइन हॉरिजॉन्टल है और वो अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, दिस लाइन इज कॉल्ड द जीरो डिग्री लैटिट्यूड और द इक्वेटर. ना ऊपर वाला जो पोर्शन है इस लाइन के, दिस वुड बी कॉल्ड एज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पोर्शन है एग्जैक्टली दिस इज सदर्न हेमिस्फीयर. अगर कोई वर्टिकल लाइन है जो अर्थ को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, दिस इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल लाइन्स. यहां पर ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा इधर की साइड और वेस्टर्न साइड होगा वेस्टर्न हेमिस्फीयर. तो इंडिया के लोकेशन की अगर मैं बात करूं, देन इंडिया एंटायरली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एंड आल्सो इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर. सो जो लैंड बाउंड्रीज है इंडिया की, दैट इज लैटिट्यूड की बात करूं, दिस सदर्न मोस्ट पोर्शन इज 8 degrees 4 minutes नॉर्थ एंड 37 degrees 6 minutes नॉर्थ इज नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द इंडिया. उसके बाद मैं बात करूं लॉन्गिट्यूडनल लोकेशन की, जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, दिस इज 68 degrees 7 minutes ईस्ट, और अरुणाचल प्रदेश का जो ईस्टर्न मोस्ट हिस्सा है, दिस इज 97 degrees 25 minutes ईस्ट. उसके बाद दिस चैप्टर फर्दर टॉक्स अबाउट, देर इज दिस लाइन कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो नॉर्दर्न साइड में होती है, और सदर्न साइड में होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, बट इंडिया से पास करती है दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इट ऑलमोस्ट डिवाइड्स इंडिया इनटू टू इक्वल हाफ्स. उसके बाद अगर बात करूं साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट पोर्शन के इंडिया की, तो अगर मैं देखूं साउथ ईस्ट में देर इज दिस आइलैंड कॉल्ड अंडमान एंड निकोबार, और साउथ वेस्ट की बात करूं देर इज दिस आइलैंड कॉल्ड लक्षद्वीप. अंडमान निकोबार जो है, दीज आर इन द बे ऑफ बंगाल, और लक्षद्वीप की बात करूं, दे आर इन द अरेबियन सी. नाउ द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इज इंदिरा पॉइंट. इट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वॉटर इन 2004, द सुनामी. उसके बाद साइज की बात करूं, द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज एन एरिया ऑफ 3.28 million square kilometers. नाउ दिस येलो पोर्शन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड अगर दुनिया की पूरी जमीन की बात करें तो इंडिया का ये जो येलो पोर्शन है, दिस इज 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड. नाउ लेट अस मूव फर्दर इन दिस चैप्टर. इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड. India has land boundary of about 15,200 kilometers. उसके बाद कोस्ट लाइन की अगर मैं बात करूं इंडिया की, इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड ऑल्सो लक्षद्वीप आइलैंड, तो इट इज अराउंड 7516.6 kilometers. और उसके बाद फर्दर मैं इंडिया के साइज और लोकेशन में बात करूं, तो इंडिया इज बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, जो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड को जोड़ती है, एंड नॉर्थ ईस्ट की जितनी भी स्टेट्स है वहां पर भी हिमालयाज है. साउथ ऑफ अबाउट 22 degrees north लैटिट्यूड इट बिगिंस टू टेपर. अगर मैं यहां देखूं, ये दिस इज द पोर्शन हेयर टेपर, यहां से ये देखिए थोड़ा सा टाइट होना जो शुरू हो गया, दिस इज कॉल्ड टेपरिंग टेंडेंसी एंड एक्सटेंड्स टूवर्ड्स द इंडियन ओशन. उसके बाद अगर मैं बात करूं फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, देर इज दिस टाइम लैग ऑफ 2 hours. हेंस टाइम अलॉन्ग द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज 82 degrees 30 minutes ईस्ट, विच पासिस थ्रू मिर्जापुर इन उत्तर प्रदेश. इट इज द स्टैंडर्ड इंडियन टाइम फॉर द होल कंट्री. ना इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. नाउ सी, ये जो पोर्शन है लॉन्गिट्यूडनल जो लाइन है, ये टाइम को बताती है. नाउ इंडिया के पोर्शन की मैं अगर बात करूं, तो यहां पर 2 hours का डिफरेंस है. इसको समझने के लिए हमने क्या करा, हमने एक टाइम जोन सिलेक्ट करा जो इंडिया के बीच से गुजरता है, ताकि सबको सेटिस्फाई कर सके. नाउ अगर मैं ऐसे बात करूं, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 hours पहले सुबह हो जाएगी और गुजरात में बाद में, बट उसको समझने के लिए हमने करा एक टाइम जोन विच इज कॉल्ड द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. उसके बाद इंडिया एंड वर्ल्ड के हिसाब से लोकेशन की बात करूं, इंडिया इज द साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट. नो अदर कंट्री हैज अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन इंडियन ओशन. इसी वजह से ये जो पूरा का पूरा ओशन है, इसको हम इंडियन ओशन के नाम से जानते.
ना उसके बाद थोड़ा और समझने की कोशिश करें इस चैप्टर को. सो ये थोड़ा सा डिटेल में है. ये देखिए, अगर मैं बात करूं नॉर्थ टू साउथ, अगर मैं लोकेशन की बात करूं, दिस हेयर दिस इज 3214 किलोमीटर्स. अगर मैं बात करूं ईस्ट से वेस्ट तक, द डिस्टेंस इज 2933 किलोमीटर्स. ना ये जो पिक्चर है ये शो करती है इंडिया के जो ट्रेड रूट्स थे, ओशन के ट्रेड रूट्स, या ओशन से पहले हम किस तरह से ट्रेड करते थे. दीज रूट्स हैव कंट्रीब्यूटेड इन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज एंड कमोडिटीज सिंस एंशियंट टाइम्स. उसके बाद अगर मैं बात करूं इंडिया के नेबर्स की, इंडिया हैज 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज. तो यहां पर नेबर देख लेते हैं. फर्स्ट नेबर इज नॉर्थ वेस्ट में पाकिस्तान, थोड़ा सा नॉर्थ में दिस पोर्शन हेयर इज अफगानिस्तान. अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, दिस इज चाइना, नेपाल. और मैं ईस्टर्न बात करूं, दिस हेयर इज द बाउंड्री बांग्लादेश एंड दिस हेयर इज म्यांमार. देयर इज दिस अनदर नेबर दैट इज स्मॉल बट वेरी इंपॉर्टेंट अलाय ऑफ इंडिया, दिस इज भूटान हेयर. और एक और नेबर है श्रीलंका, जो सदर्न मोस्ट नेबर है. उसके अलावा ये मालदीव्स वाला पोर्शन है. बट यहां पर खास बात यह है, श्रीलंका इज सेपरेटेड बाय a narrow channel of sea formed by Palk Strait and Gulf of Mannar. This is a very important question. Palk Strait and Gulf of Mannar. So this was all about this chapter. So thank you so much for watching this video.